दोस्तों धनुष स्टारर तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी कर्णन रिलीज का पूरे 3 दिन कंप्लीट हुई है और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कर्णन मूवी ने 3 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की कलेक्शन की। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने यानी कर्णन मूवी ने 3 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ की कलेक्शन अब तक कर लिया है। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों कर्णन मूवी को स्पेशली तमिलनाडु स्टेट के अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं। बताना चाहूंगा इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 35 यानी 35 करोड़ रुपये। वही दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही मूवी के नॉन थिएटर के जो बिजनेस किया था मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस कर टोटली 30 करोड़ रुपये। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों कर्णन मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 10 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी ने दूसरे दिन पे यानी कल को टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, जैसे कि आप सभी को पता है आज है संडे यानी पूरी तरह से हॉलीडे और उसी के साथ दोस्तों फिल्म के कलेक्शन के मामले में ग्रोथ ही देखने को मिले। इस मूवी के कलेक्शन रुके नहीं घटे नहीं। बताना चाहूंगा आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 40% हाउसफुल देखने को मिले। वही दोस्तों आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 35% हाउसफुल देखने को मिले। यानी दोस्तों कर्णन मूवी के आज पूरे दिन के जो एवरेज तौर पे ऑक्युपेंसी रहे ऑडियंस की तरफ से वो है लगभग 35%। और अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार कर्णन मूवी रिलीज के तीसरे दिन पे यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। इसके साथ दोस्तों कर्णन मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते पूरे 20 करोड़ 90 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते पूरे 26 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों कर्णन मूवी ने इंडिया के बाहर 3 दिनों में टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने 3 दिनों में टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 26 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 3 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 2 करोड़ रुपए। यानी तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के धनुष स्टारर मूवी कर्णन ने इन 3 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 28 यानी 28 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है कर्णन मूवी के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुकी है पूरे 28 करोड़ रुपए। यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों इस मूवी के थिएटरिकल प्राइस बिके होंगे, इस मूवी के थिएटरिकल प्राइस 20 से लेकर 25 करोड़ रुपए और मूवी ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही 28 करोड़ की रिकवरी कर ली है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसके साथ दोस्तों कर्णन मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में हो चुकी है सुपर हिट। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।